पूरे क्लिनिकल में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ जाते हैं। सिम्टम्स जो नॉर्मल होते हैं, फ्रीक्वेंट सिम्टम्स जो थर्ड वीक के एंड पर होते हैं, वो नॉजिया और वॉमिटिंग आ जाती है। लेकिन जो ऑनसेट पर सिम्टम्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है नॉर्मल एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर हो रही होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि इम्प्लांटेशन के वक्त कुछ लॉस ऑफ ब्लड हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हुआ है और वहाँ पर से लीक है जब तक ब्लड हो गई है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं और ये इसलिए होती है क्योंकि बेसिकली प्लग होता है जो कि क्लोज हो रहा होता है यूटेराइन कैविटी के अंदर, लेकिन नेटवर्क्स होते हैं वो डिस्टर्ब्ड हो रहे होते हैं इन द इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। और जब ये ब्लीडिंग अगर ये जो होती है अगर इसको इंटरप्रेट कर लिया जाए एज मेंस्ट्रुएशन, तो हमारे पास जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है उसकी एस्टिमेशन में गलत एस्टिमेशन उसकी हो जाएगी। सेक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा जो होते हैं प्रिमिटिव स्टेज के रेमनेंट्स की वजह से डेवलप होते हैं। जो सेल ये बेसिकली जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, बेनाइन भी हो सकते हैं। इनके अंदर तमाम जो तीनों जर्म लेयर्स होती हैं उसके कुछ उसके टिश्यूज़ इसके अंदर पाए जा रहे होते हैं। इसे अल्ट्रासोनोग्राफी से हम डायग्नोज करते हैं और अक्सर ट्यूमर्स जो होते हैं इस तरह के वो बेनाइन होते हैं, मेलिग्नेंट नहीं होते हैं। प्री सेक्रल टेराटोमा जो होता है वो इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा रहा होता है। अगर हम इसकी सर्जिकल जो है एक्सीजन भी कर लें तब भी ये इन्हीं दोनों ऑर्गन इंटेस्टाइनल और यूरिनरी ऑर्गन पर अपने असरात छोड़ के जा रहा होता है। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द नियोनेट ट्यूमर यही होता है सेक्रोकॉक्सीजियल टेराटोमा। उसके बाद आ जाता है कि अगर नोटोकॉर्ड के रेमिनेंट्स बच गए हैं तो उसकी वजह से भी मेलिग्नेंट या बेनाइन ट्यूमर हो सकता है, लेकिन उसे कहते हैं कोर्डोमास। कोर्डोमास जो होते हैं ये बेसिकली वेस्टिजियल रेमिनेंट्स होते हैं नोटोकॉर्डल टिश्यू के, बेस ऑफ द क्रेनियम पर इसकी साइट होती है या और ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं टू द नेसोफेरिंक्स। स्लोली इनकी ग्रोथ होती है और मेलिग्नेंट अगर ये हों तो उस केस में ये बोन को भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं। एलेंटोनिक सिस्ट जो होते हैं इसमें रेमिनेंट्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पोर्शन ऑफ द एलेंटोइड्स जो होते हैं वो परसिस्ट कर रहे होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द फीटल एम्ब्लाइकल वेसिकल। अल्ट्रासोनोग्राफी से इन्हें डिटर्मिन करते हैं। और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एम्ब्लाइकल कॉर्ड ये एक इनकी साइट है, दूसरी साइट है नियर द अटैचमेंट टू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, सिस्ट जो होते हैं जनरली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं अंटिल द चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, और जब इनकी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहते। बाद एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास कभी कभार एम्ब्रियो डेथ हो जाती है और क्रॉनिक विलाय होते हैं उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती, उनकी कंप्लीट वैस्कुलराइजेशन नहीं होती, सेकेंडरी से रशी विलाय कंप्लीट नहीं बनते। तो डीजनरेटिंग विलाय होते हैं सिस्टिक स्वेलिंग्स बना देते हैं जिसे हम हाइड्राटेडीफॉर्म मोल्स कहते हैं। ये एक क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह के होते हैं और इसमें बेसिकली ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलीफरेशन पाई जाती हैं। HCG का लेवल इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रेज्ड होता है। हमारे पास नॉर्मल स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के केस में इनकी डेवलपमेंट हो सकती है और नॉर्मल फीटल डिलीवरी के केस में इनकी डेवलपमेंट हो सकती है। मेलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक लेगियन के केस में भी ये मोल्स डेवलप होते हैं और कोरियोकार्सिनोमास के केस में भी ये मोल्स डेवलप होते हैं। कोरियोकार्सिनोमास को अगर हम डिस्कस करें तो ये इनकी मेटास्टेसिस हो जाया करती है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स, वजाइना, लिवर, बोन, इंटेस्टाइन या ब्रेन वगैरह में। अब हमारे पास ये जो हाइड्राटेडीफॉर्म मोल्स होते हैं कंप्लीट भी हो सकते हैं और ये पार्शियल भी हो सकते हैं। पार्शियल वाले में ये होता है कि हमारे पास नॉर्मल ओसाइट होता है जिसकी फर्टिलाइजेशन होती है दो स्पर्म्स के साथ और उसके केस में हमारे पास ये मोल्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट होते हैं उनकी डेवलपमेंट के दो तरीके हैं, मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट भी हो सकती है कंप्लीट हाइड्राटेडीफॉर्म मोल्स की और डायस्पर्मिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट के केस में हमारे पास एम्प्टी ओसाइट जो होता है वो एक स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसकी डुप्लीकेशन फर्दर हो जाती है। डायस्पर्मी के अंदर एम्प्टी ओसाइट दो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर कंप्लीट हाइड्राटेडीफॉर्म मोल्स होते हैं ना मोस्टली वो मोनोस्पर्मिक होते हैं।